जय हिंद। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया था भाई, चैनल के साथ बने रहना। आईटीआई डिप्लोमा के रिक्रूटमेंट को लेकर कोई भी अपडेट निकल कर आता है तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर देखने मिलेगी। भाई, यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट जारी किया गया है मेधानी की तरफ से। अब इसका फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो मिश्र धातु निगम लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इसका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। अब काफ़ी अच्छा जो है ये रिक्रूटमेंट यहाँ पर डिपार्टमेंट ने निकाला गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो भाई, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर इसके एडवर्टाइजमेंट पर लेकर मैं आपको चलता हूँ और देन सारी जो है इन्फॉर्मेशन क्लियर करूँगा कि यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो भाई, मिश्र धातु निगम लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटर्नशिप के अंतर्गत जो है ये डिपार्टमेंट आता है। उसके बाद यहाँ पर जो पोस्ट निकाली गई है, जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी JOT फिटर की यहाँ पर टोटल 13 पोस्ट हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं, जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी वेल्डर की यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर टोटल 6 पोस्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 30 साल मांगी गई है। उसके बाद सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनी की यहाँ पर जो है टोटल 20 पोस्ट हैं मेटलर्जी वाले। उसके बाद मैकेनिकल की यहाँ पर सीनियर ऑपरेटिव की 10 पोस्ट हैं। उसके बाद जो है सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट हैं। यहाँ पर 35 साल एज लिमिट आपकी रखी गई है। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अब यहाँ पर जो है आपका बेसिक रहने वाला है सैलरी, आप देख सकते हो WG2 की सैलरी है, यहाँ पर WG4 की सैलरी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अदर अलाउंसेस भी जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है भाई, आपका 10th पास होना चाहिए और ITI आपका यहाँ पर JOT में फिटर ट्रेड से होना चाहिए, प्लस आपके पास NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जिन कैंडिडेट के पास है वही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। सेम क्वालिफिकेशन भाई वेल्डर में भी आपका ITI होना चाहिए और NAC होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन में आपका ITI होना चाहिए, NAC होना चाहिए। डिप्लोमा, यहाँ पर डिप्लोमा की बात करूँ तो डिप्लोमा में मेटलर्जी से आपका 60% मार्क्स के साथ डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद मैकेनिकल में 60% मार्क्स के साथ डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में 60% मार्क्स के साथ डिप्लोमा होना चाहिए। टू अकॉर्डिंग ऑफ पोस्ट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा सिलेक्शन का क्राइटेरिया देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल की अगर मैं बात करूँ तो जो है यहाँ पर आपका 100 मार्क्स का जो देखो एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है, उसमें जो आपके 85 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम का रहेगा। बाकी जो है आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको जो है 15 जो है यहाँ पर नंबर दिए जाएंगे। अब ट्रेड टेस्ट में पास या फेल ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर 10 मार्क्स मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 2 मार्क्स फॉर एवरी एडिशनल रिलेवेंट क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 15। तो मतलब सब्जेक्ट के जो है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। बाकी जो है आपका यहाँ पर 85 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, उसके बाद आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, देन आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाएगा, है ना। अब यहाँ पर जो है आपको जो यहाँ पर अप्लाई करने की जो डेट है वो मैं बता देता हूँ भाई। यहाँ पर जो है 18 अक्टूबर, मतलब आज ही के दिन से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 18 अक्टूबर 2023 से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की बात करूँ तो 1 नवंबर 2023 तक आप इस फॉर्म को जो है लास्ट डेट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी ओनली इंडियन नेशनलिटी होना चाहिए, ये सब बेसिक चीज़ें क्लियर की गई हैं। बाकी इसका सिलेबस पर्टिकुलर नहीं जो है इसमें क्लियर किया गया है कि यहाँ पर जो है कहाँ से क्या क्या पूछेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर नीचे दिया अभी इतना ही जो नोटिस आया। बाकी इसके अगर मैं बात करूँ तो आपकी 100 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, है ना, जनरल OBC WS कैटेगरी वालों की। बाकी ST SC वुमेन की कोई भी यहाँ पर जो है PWD कैंडिडेट की एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगने वाली है। ठीक है, ऑनलाइन आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। बाकी अदर कोई अगर क्वायरी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो अभी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, ये चीज़ मैं अभी भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। आने वाले हर अपडेट के लिए ओनली परमानेंट जॉब के लिए है भाई, चैनल के साथ डेफिनेटली बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।